कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स से ऊपर। बच्चों देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक श्रृंखला आपके साथ जारी है और इन्हीं में से एक विगत वर्षों से एग्जाम में पूछा जा रहा है आपके अनसॉल्व पेपर में, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स में। तो बच्चों, ये 6 मार्क्स या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और ये द्विघात समीकरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए, जैसा कि प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक नाव चालक नदी के बहाव प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करके उसी स्थान पर लौटने में उसको 50 मिनट का टाइम एक्सपेंड होता है। तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें। बच्चों हमको यहां पर स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, कुछ जो कैरीज है उनको माननी पड़ेंगी। सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे जो हमसे पूछा गया है कि माना स्थिर जल में नाव की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए आपको दिख रहा होगा। और नदी की चाल क्या मान लेंगे बच्चों? नदी चाल चुकी दी गई है यहाँ पर कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं समझने का प्रयास करें बच्चों कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, कोई डिस्टेंस है, तो जो नाव चालक है वो यहां से यहां तक जाता है और फिर यहां से लौट करके यहां तक आता है और उसको इस डिस्टेंस को तय करने में 50 मिनट का टाइम खर्च होता है। तो बच्चों देखिए, अनुकूल जाने में लगा समय धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में यानी अनुकूल जाने में लगा समय और फिर वहां से वापस यानी कि प्रतिकूल जाने में लगा समय, ये जो लगता है कितना लगता है? 50 मिनट। क्योंकि हम लोग घंटे की बात करेंगे तो उसको 50 मिनट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसमें, आवर्स में, 50/6 यानी कि 5.6 आवर्स आ जाएगा। अब बच्चों देखिए, अनुकूल जाने में लगा समय और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी बच्चों देगी? 10 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। अब जब अनुकूल की बात करेंगे, जिस दिशा में आप जा रहे हैं और नदी का बहाव भी उसी दिशा में है, तो ये क्या हो जाएगा? x+5 ये ऐड हो जाएगा यहाँ पर बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों देखिए, बात करेंगे जब प्रतिकूल की तो वहां भी समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। लेकिन अब लोग उल्टा चलना है, मतलब की धारा की दिशा ये है और हमारी जो नाव की चाल है वो क्या है? इस प्रकार से नदी की चाल से धारा की चाल से जो हमारी चाल है वो घट जाएगी। यानी कितना हो जाएगा? देखिए 10/x-5 और टोटल कितना टाइम आपको लग रहा है? 5/6 का। तो बच्चे ध्यान दीजिए, यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, कितना? 10 कॉमन आ जाएगा और एलसीएम इनका फिर क्या आ जाएगा अंदर से? x+5 और ब्रैकेट में x-5। ये कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा x-5 और x+5 आपको सॉल्व कर देंगे और ये कितना आएगा? 5/6। तो देखिए बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा और x कितना हो जाएगा? 2x। बच्चे चाहे तो इसको यहां से कट कर सकते हैं, 5 + 10। तो x और x 2x और 2 में करेंगे गुणा 2 का तो कितना हो जाएगा? 4x और 4 में 6 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए बच्चों इस जगह पे आ जाएगा 24x। कितना आ जाएगा? 24x। फिर देखिए 5 × 10 और x + x 2x, 2 × 4x और 4×6 = 24x। और ये देखिए बच्चों वर्गांतर का सूत्र लगा हुआ, a+b और a-b, यानी क्या? a² - b² - b² 25 हो जाएगा। साइड चेंज करेंगे बच्चों यहाँ पर तो x² - 24x - 25 = 0। तो बच्चों ऐसी संख्या हमें ज्ञात करनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 25 आ जाए और घटाने पर 24 आ जाए। तो वो संख्या क्या होगी बच्चों? 25 का 1 में कर देंगे गुणा, तो देखिए क्या क्या बनेगा बच्चों? x - 25 और x+1 = 0। तो निगेटिव तो चार होती नहीं है तो हम लोग इसको ले लेंगे, तो x = क्या आ जाएगा बच्चों? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल बच्चों आ गई है? देखिए स्थिर जल में नाव की चाल आपको प्राप्त हो जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीडियो पसंद आया उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।